दुमका जिले में भाजपा के 5 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के 4थे दिन धरना स्थल पर पहुंचे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने अपने संबोधन में हेमंत सरकार और स्थानीय विधायक बसंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बसंत सोरेन असामाजिक तत्व और अवैध कार्य करने वाले लोगों के सरदार हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पलामू में जिस एसपी को लाया गया है उससे इसके बदले करोड़ों रुपए लिए गए हैं। मुख्य सचिव है, गृह सचिव है, डीजीपी है, मुख्यमंत्री है, सबकी सहमति से अगर ट्रांसफर हो गया तो फिर ट्रांसफर हो गया। एकाध कोई अपवाद में कोई बीमार उमार होता है, आवेदन देते हैं तो उसका स्थगित होता है तो समझ में आता है, लेकिन पूरी के पूरी ट्रांसफर अगर रद्द हो जाते हैं इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री से भी इतर, चीफ सेक्रेटरी से भी इतर कोई एक बड़े दलाल बैठे हुए हैं जो इस राज्य को ये लुटा रहे हैं, इस राज्य में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो अपराधी लोग चला रहे हैं। इस प्रदेश में सरकार जो चल रही है दलाल लोग चला रहे हैं, और जब तक ये दलाल और अपराधियों की साठगांठ से सरकार चलेगी कभी भी राज्य में अमन चैन नहीं हो सकता है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं माफियाओं का सरदार, ये सारे चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अवैध कारोबारी का सरदार यहाँ का विधायक बसंत सोरेन जी बन बैठे हैं, जो दुमका का विधायक के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन यह संकेत अच्छा नहीं है, यह संकेत अच्छा नहीं है। यहाँ के युवाओं को जगने की आवश्यकता है। जिस कदर ये बाहर से असामाजिक तत्व को लाके यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं, यहाँ स्थानीय युवक युवतियों को रेंगने के लिए ये मजबूर कर देंगे मित्रों। इसीलिए समय रहते हमें चेत जाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने खनिज संपदा का सुरक्षा कर सके, हम अपने सामाजिक स्तर से हर एक लोगों का, हम सभी लोग उन्हें सुरक्षित रख सके। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।